भिवंडी के शांति नगर वार्ड क्रमांक 14 की नगर सेविका के पति समाज सेवक अबू सुफियान द्वारा नए राशन कार्ड के एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग इस कैंप में उपस्थित हुए। विशेष तौर पर सरकार द्वारा फ्री में राशन कार्ड बनाने का एक निर्देश पास किया गया, जिसके बाद भिवंडी के शांति नगर क्षेत्र में अबू सुफियान शेख, जो कि समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं, उनके माध्यम से इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में इस कैंप में लोग लाभ लेने के लिए पहुंचे। विशेष तौर पर हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए अबू सुफियान शेख, जो कि समाज सेवक है और इनकी मिसिस वार्ड क्रमांक 14 की नगर सेविका भी हैं, इन्होंने इस कैंप के माध्यम से लोगों के जो राशन कार्ड की समस्या रहती है इसे दूर करने की बात कही, और साथ ही साथ राशन कार्ड जो है निःशुल्क यानी कि मुफ्त में बनाने का एक संकल्प उठाया, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां के जो स्थानीय नागरिक और आसपास के क्षेत्र के लोग भारी मात्रा में उपस्थित होकर इस कैंप का लाभ उठाते हुए नजर आए। अबू सुफियान सभी की समस्या वहां पर सुनते हुए भी नजर आए। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि इस राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा गैस सिलेंडर अब राशन कार्यालय पर उनके माध्यम से मिलेगी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए अबू सुफियान ने इस कैंप और साथ ही साथ न्यू राशन कार्ड जो यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को, उसके बारे में जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। देखिए संदीप जी, जे न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं और भिवंडी की जनता को भी ये जागरूक कराना चाहता हूं कि राशन कार्ड कैंप वाकई ये एक नया कैंप है और ये शासन की तरफ से एक जो सुविधा है, तो मैं सिर्फ ये मेरे वार्ड के लिए नहीं पूरे भिवंडी के लिए मैं एक कैंप लगाया हूँ, ये किसी भी वार्ड के लोग यहाँ आके अपना राशन कार्ड की सुविधा कर सकते हैं। जैसे कि हमारा भिवंडी शहर सलम एरिया है और यहाँ जो है विविध भाग से लोग आए हैं, उनके पास राशन कार्ड वगैरह नहीं है या राशन कार्ड बनाने के लिए प्रूफ नहीं है, ऐसे हालात में ये कैंप उनके लिए बहुत कारगर है, बहुत ही मुफीद साबित होगा। और ये शासन ने जो सुविधा दे रही है राशन डिपार्टमेंट को, ये सुविधा से यहाँ के लोग वंचित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस मेरे वार्ड के ही नहीं, आसपास के सलम एरिया के भिवंडी के किसी भी विभाग के लोग यहाँ आके राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है, नया राशन कार्ड प्राप्त होगा और इसमें बहुत कम प्रूफ लग रहा है। इसमें जो एक आधार कार्ड लग रहा है और रेसिडेंटल का सिर्फ एक प्रूफ लग रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन वो राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे राशन दुकान से, वो आज ही हमारे पास आवे, फॉर्म भरे, इंशाल्लाह उनको 12 डिजिट नंबर मिलेगा और राशन भी चालू होगा। अगर किसी को गैस कनेक्शन की ज़रूरत है, फ्री ऑफ चार्ज में गैस कनेक्शन का आज ही फॉर्म भरा जा रहा है और ये कैंप लगा है, इस तरह कैंप ये चलता रहेगा हमारा। आज यहाँ पे खुलेगा या तो फिर? नहीं, 15 तारीख गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें से 6 तारीख को यानी कल नजराना कंपाउंड में ये कैंप रहेगा, 7 तारीख को जाकिर मिर्ज़ा जो नगर सेवक है उनके यहाँ एक कैंप रहेगा, और उसके बाद जो मुमताज़ नगर में हमारे नासिर खान भाई से है, जो मेरे हमारे भौजी है, उनके यहाँ कैंप चलेगा। और ये कैंप तो यहाँ चलता रहेगा, लेकिन मेरी जो यहाँ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, मेरे यहाँ सब सुविधा रहेगी। 15 तारीख तक अगर लोग मेरे पास आते हैं फॉर्म लेके, तो मैं उनका काम ये आगे बढ़ाता रहूँगा। और मैं अनुरोध करता हूँ भिवंडी वासियों से कि ये बहुत अच्छा कैंप है, सरकार की पहल है, इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए और राशन कार्ड के लिए आप लोग खुद होके आइए। बहुत कम प्रूफ में राशन कार्ड बन रहा है, फ्री ऑफ चार्ज बन रहा है, आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और ये राशन कार्ड ऐसा है, राशन कार्ड मिलने के साथ उनके साथ 12 डिजिट नंबर भी मिलेगा और राशन भी चालू होगा और गवर्नमेंट की सुविधा मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।